रखी है और ये मेरी तीसरी लाइट है जो कि मैंने यहाँ माउंट कर रखी है। ये हमारी तीसरी लाइट जल गई है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब ये हमारा कैमरा यहाँ से कनेक्ट हो चुका है और हमारे लैपटॉप में स्क्रीन आ रही है। अब हमें सो हाय गाइस व्हाट इज अप। तो फ्रेंड्स मैं जा रहा था एक अपनी नॉर्मल वीडियो शूट करने जो कि मैंने आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और अपलोड भी हो चुकी होगी, तो आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उस वीडियो को शूट करने जा रहा था, तो मेरे मन में मतलब ख्याल आया है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपने कैमरे से शूटिंग करते हैं और इसकी जो स्क्रीन है ना बहुत ज़्यादा छोटी है। तो फ्रेंड्स मैं वो मतलब पता नहीं चल पाता कि हाँ हमारे बैकग्राउंड में कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है या डिस्ट्रैक्शन ला रही है, या भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इसमें हमें दिख नहीं पाती। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लैपटॉप से अपने कैमरे को कनेक्ट करता हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं वही करने जा ही रहा था तो उसे कैमरे को कनेक्ट करने में कम से कम 1 घंटा लग गया। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए या फिर ब्लॉग कह लो बनाया जाए कि लोग अपने कैमरे को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब मुझे 1 घंटा लग गया तो आप सबको भी बहुत सारा टाइम लग सकता है। बहुत सारे लोग तो टाइम के चक्कर में कनेक्ट करते ही नहीं होंगे। तो वीडियो में यही है कि हम अपने फोन कैमरे को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करते हैं और मैं अपनी वीडियो को कैसे शूट करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरा लैपटॉप जो कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है और इसे मैंने फ़िलहाल तो अभी अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है कि फ़ोन की डिस्प्ले जाएगी, और ये है मेरा कैमरा। तो गाइस लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए जो कि है ये ऐप, ये है EOS यूटिलिटी। तो फ्रेंड्स मेरे पास जो कैमरा है वो है कैनन का 200D Mark II। तो फ्रेंड्स इसके लिए ये मतलब ये पर्टिकुलर हर कैमरे के हिसाब से आता है, तो आप इसकी कैनन की वेबसाइट पे जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दे करूँगा दूंगा। और मैं उस साइट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। तो फ्रेंड्स यूजुअली सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कैमरे को ऑन करना होता है। तो फ्रेंड्स कैमरे को ऑन करने के बाद हमें जाना है मेन्यू में और ये वाईफाई और ब्लूटूथ वाला कनेक्शन है, तो इसे पे जाके तो हम फ्रेंड्स ये मेरे में विकास के नाम से जो ये ला रहा है ये लैपटॉप का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप का आइकन बना हुआ है और अगर फ़ोन का होता तो फ़ोन का आइकन बना रहता है। तो अगर आपके में तो ये होगा नहीं तो आपको ये साइड वाले मेन्यू पे जाना है और ये जो लैपटॉप का साइन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके आपको ओके दबाना है और आप ऐड न्यू डिवाइस करेंगे तो आपका यहाँ पे हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा तो जो ये आपका है ये है आपका पासवर्ड, और ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आ चुका है। तो फ्रेंड्स इसे आपको कनेक्ट करना होगा अपने लैपटॉप में नेटवर्क को। तो फ्रेंड्स इसे कनेक्ट करने के लिए हम ये पासवर्ड डालेंगे, मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। इसका पासवर्ड है 0052 6580। तो फ्रेंड्स वैसे तो मेरे लैपटॉप और कैमरा दोनों कनेक्ट हो चुका है, तो जाए स्टार्ट पेयरिंग ओके करने के लिए कह रहा है। अब मैं इसे ओके कर दूंगा और ये कनेक्ट हो रहा है। इतने में हम अपने यूटिलिटी वाले ऐप को ओपन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमने मतलब सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे हमने ये कनेक्ट कर लिया है। तो फिर इसके बाद हमें जाना है पेयरिंग ओवर लैन पे, WLAN पे, वाईफाई या लैन। फ्रेंड्स अगर ये आपके यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपको एक बार यहाँ पे कनेक्शन पे जाना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। तो फ्रेंड्स इसकी प्रॉपर्टी पे आप ये ज़रूर चेक कर लें कि जो ये मेक मेक दिस PC डिस्कवरेबल है ये ऑन होना चाहिए आपका। अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपके यहाँ पे नाम नहीं आएगा। तो हमें इस पर क्लिक करके और कनेक्ट करना है। तो वहाँ से मैंने ओके कर दिया, अब यहाँ पे हमें ओके करने का आ रहा है। अब हम इसे ओके कर देंगे और यहाँ पे हमारा EOS यूटिलिटी version 3 खुल गया। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ से अपने लैपटॉप में इसकी या तो फोटो डाउनलोड करना चाहे फोटो डाउनलोड कर सकते हो, रिमोट शूटिंग और कैमरा सेटिंग, आप ये तीनों चीज़ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो हमें करनी है रिमोट शूटिंग क्योंकि हम यहाँ पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आइकन खुल जाएगा आपके यहाँ पे और ये लाइव व्यू शूट पे जाना हमें। हम जाएंगे लाइव व्यू शूट पे और ये देखो फ्रेंड्स हमारा कैमरा अपने आप ही खुल चुका है।
तो फ्रेंड्स अब हम इस कैमरे को लगाएंगे ट्राईपॉड पे। तो फ्रेंड्स अभी मेरा कैमरा ट्राईपॉड में माउंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे यहाँ पे अपना सेटअप। तो फ्रेंड्स सेटअप करने के लिए वैसे तो मेरे पास ये विंडो है, तो विंडो की लाइट भी ठीक ठाक आ रही है और मैं अपनी दूसरी लाइट भी जला देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरी दूसरी लाइट जल चुकी है और ये मेरी तीसरी लाइट है जो कि मैंने यहाँ माउंट कर रखी है। ये हमारी तीसरी लाइट जल गई है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब ये हमारा कैमरा यहाँ से कनेक्ट हो चुका है और हमारे लैपटॉप में स्क्रीन आ रही है। अब हमें सब चीज़ पता चलते जा रही है कि मतलब हमारी वीडियो में कोई कमी है, लाइट है, क्योंकि अब ये बड़ी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स हम छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस कर सकते हैं, जैसे लाइक ये अम्ब्रेला आ रहा है कहाँ गया। तो फ्रेंड्स थोड़ा अपोजिट तो दिक्कत होती है, ऐसा भी अम्ब्रेला आ रहा तो मैं इसे थोड़ा नीचे रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और हमारे बाल वाल कैसे ठीक हैं नहीं हैं इन सबको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ अपनी एक वीडियो शूट करने, जो कि आपने देख भी ली होगी, संडे को आई मैंने अपलोड कर दी थी। तो जाओ उस वीडियो को भी देख लेना, ये हमने इसी सेटअप पे शूट की है जिसमें मैंने रिव्यू दिया है अपनी इस वॉच का और अपने नेक बैंड का। तो फ्रेंड्स उस वीडियो को भी देखें और बैस का और भी कोई चीज़ होगी तो वो भी आपको दिखा दूँगा। सो गाइस मैं वीडियो शूट करने जा ही रहा था तो मेरे को भी पता चला कि जो मेरा ये बोया का माइक है इसका बैटरी ख़त्म हो चुका है, तो इसका फ्रेंड सेल ख़त्म हो चुका है। तो मैं जा रहा हूँ इसका सेल लेके आऊँगा पहले मार्केट से, क्योंकि हमारे वैसे घर के बाहर ही मार्केट है और घड़ी की दुकान पर इसका आराम से सेल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं इसका सेल लेके आता हूँ और फिर उसके बाद आपको लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपना सेल ले आया हूँ जो कि ये रहा, ये इसके अंदर का जो डेड सेल है वो है और इसके अंदर मैंने दूसरा सेल लगा दिया है। तो फ्रेंड्स मैं इसे भी अब कनेक्ट कर देता हूँ अपने कैमरे से। तो कैमरे के इस पार्ट पे लगेगा, तो एक बार मैं इधर स्क्रीन को भी इधर ही कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत कैमरे से भी आइडिया मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा माइक अब देखो ये कनेक्ट हो चुका है और ये है इसकी वायर। तो फ्रेंड्स इसकी वायर वैसे बहुत बड़ी है मगर खोलने का मन नहीं करता क्योंकि इसे समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर भी अब वीडियो बनानी है तो खोलना तो पड़ेगा। सो गाइस ये है हमारी शूटिंग का फाइनल सेटअप, जो कि देखो ये वायर आ रहा है वहाँ से और ये मैंने अपने यहाँ पर लगा लिया है। तो फ्रेंड्स ये मैंने लगा रखा है अपने गर्दन पे यहाँ से जो कि अंदर से आ रहा है और अब वहाँ पर भी हमारी स्क्रीन आ गई है। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ हो रहा है कि आप यहीं से इससे वीडियो मोड पे जा सकते हैं, जैसे इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ और जो ये आइकन है वीडियो का आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो मोड पे चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हमें रिकॉर्डिंग का आइकन आ गया, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखो ये 29 FPS पे है फुल HD और IPB। तो फ्रेंड्स मैं इसमें ये दो तीन चीज सेटिंग चलूँगा क्योंकि हम घर के अंदर शूट कर रहे हैं, तो ये 29 की जगह पे मैं इसे 25 करूँगा और बाकी सब तो ठीक है। थोड़ा एक्सपोजर चेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स लाइटिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारी वीडियो में, तो लाइटिंग का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आप सबसे बढ़िया काम कर सकते हैं कि आप छत पे जाके शूट कर सकते हैं या फिर किसी पार्क में जाके शूट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है। वहाँ पे आपको लाइट का कोई सोर्स नहीं चाहिए होता, तो मैं पार्क में भी जाऊँगा तो वहाँ पे भी एक टाइम स्लैप बनानी है तो वो भी दिखाऊँगा आपको।